सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज आप सब समालखा में इस रूप में एकत्रित होके जहाँ सत्संग का आनंद भी ले रहे थे, वहीं हर पल में एक दूसरे महापुरुषों के लिए मन में वो भाव कि सभी निराकार का एहसास देने के लिए एक सहयोग साबित हो रहे थे, और वहीं मन भी हर समय सिमरन में जुड़ा हुआ, इस निराकार के जुड़ा हुआ। साथ ही जिस रूप में भी सेवा लगी किसी की भी, वो सब जहाँ एक मुबारक बात है हर एक का, वहीं दातार कृपा करे कि हर कोई जब अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे है, वो आधार जब तक इस निराकार का होता है तो सारे ही काम साथ साथ एक पूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं, एक वो हमारे लिए बेहतरी का एक फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो जब बात वही होती है कि ये निराकार का एहसास अक्सर कई महात्मा के बोलते हैं कि कोशिश करते हैं हम कि लिव जुड़ी रहे, कोशिश करते हैं कि एक सुमिरन हर पल का बना रहे, पर ये कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में, अगर हमें पता है कि एक मिठास रखनी है, फिर भी ये गुस्सा आ जाता है। तो ये एक जानते हुए भी कि क्या करना है क्या नहीं, फिर भी वो चीज़ होती नहीं है। तो एक वही भाव मन में कि जब ये लिव जुड़ी है दातार से, तो अपने आप वो स्थिरता मन में, शांति सुकून एक आता है, और वही कब मन में सिमरन रूप बन जाता है, ये मन की ही अवस्था है। सिर्फ सिमरन मुँह से तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनु बख्श लो, शब्दों का जहाँ उच्चारण करना, ये सिर्फ अगर शब्दों के उच्चारण तक रहता है, मन से नहीं होता, तो वो एक उतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो कैसे हर समय का सिमरन, चाहे ये शब्द निकल रहे हों ना निकल रहे हों, पर एक मन रूप से जुड़े हुआ सिमरन, वो सिमरन भी कबूल होता है। तो हर समय इस दातार के साथ जहाँ जुड़े रहें। अक्सर दुनिया में भी हम देखते हैं कि एक कोई चीज़ होती है जिसकी कोई कीमत होती है, पर अक्सर हम उस मेन चीज़ की कीमत से हटकर कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, उसका डब्बा देखने में कितना सुंदर है, या वो क्या ब्रांड कितनी एडवर्टाइजमेंट करता है, इस रूप में हम एक चीज़ का एक सोच लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू, ये इसका दाम क्या, हमारे को क्या पसंद करना है क्या नहीं। वो बहुत फैक्टर्स के साथ हम एक दुकान में जाके फिर उस चीज़ का चुनाव करते हैं, पर बात तो वही है कि ये पैकेजिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक अंदर का वो प्रोडक्ट की उस डब्बे में है क्या, वो चीज़ अच्छी हो तो ही एक फ़ायदा है। जिस तरह हमने दोहे में भी सुना है, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो अगर हम ये बात स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता में डालें, तो बात वही है कि एक जो मूल है वो तो परमात्मा है, वो निराकार है। अगर हमारे अंदर निराकार समाया है तो हम एक अच्छे मानव वाले कर्म करेंगे। अक्सर दुनिया में ये भी होता है कि एक अच्छा इंसान बनना, एक उस तरह मान लेते हैं कि अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम बहुत स्पिरिचुअल है, पर बात वही है कि एक अच्छा इंसान होना और स्पिरिचुअलिटी में भी जो फ़र्क आता है, वो इस परमात्मा का एहसास आता है। जिनके दिलों में परमात्मा टिका है, वो फिर एक मानवीय गुण खुद ब खुद इस तरह अपना लेते हैं कि वो कोई उसमें ज़बरदस्ती कोई बात ऐसी नहीं होती,
बस वही बात की स्वयं ही वो कार्य होता चला जाता है, जिस तरह हमने होना है एक असली मानव बनना है, उस तरह का एक असली मानव बनना बनकर ही चलते जाएंगे, फिर अपने रास्ते से हम भटकेंगे नहीं। और वहीं अगर हम सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं कि हम सबकी मदद भी करेंगे, हम मन में आदर सत्कार भी रखेंगे, पर मन में इस परमात्मा का एहसास, ये ब्रह्म ज्ञान ना हो, तो वो ही एक फाइन लाइन जो होती है कि एक ब्रह्म ज्ञानी तो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा इंसान पूरा का पूरा, जहां हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, तो जो पोटेंशियली डिवाइन वाली बात है इस शरीर की, तो वो तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पूर्ति है कि एक सिर्फ पैकेजिंग अच्छे इंसान की ना हो, अंदर जो हमारी आत्मा है वो इस मूल के साथ जुड़कर एक अपने असली आकार को पहचानी है कि नहीं। तो किस तरह हम जब ये बात करें कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही एक आसान भी हैं और उतनी मुश्किल भी हैं, कि कैसे एक हम दुनिया में देखें तो कोई नास्तिक भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, पर कैसे एक स्पिरिचुअल फैक्टर ही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें। अक्सर हम एक चीज़ जो सबसे कीमती है उसके पीछे ना जाके उससे आसपास जो फैक्टर्स जुड़े हैं उसके ऊपर ही एक फोकस बना लेते हैं, कि अगर कोई गिफ्ट किसी के लिए ख़रीदा तो उसमें ज़रूरी है कि वो जब गिफ्ट रैपिंग पेपर से खोल के, वो डब्बा खोल के, वो तोहफे में क्या है, वो कैसा है, ना कि सिर्फ एक बहुत ही सुंदर वो पेपर, वो रिबन बांध दें। तो कैसे एक जो मेन जो सामान है, जो मूल है, वो परमात्मा है, जब तक इसके साथ जुड़े हैं, जब तक इसके साथ पूरे दिल से सच्ची तरह जुड़े हैं, सिर्फ दिखावा नहीं, नहीं तो सिर्फ ऊपरी सुनहरे कागज़ तो दिखावा ही बन जाते हैं उस तोहफे के लिए। तो जहाँ एक हम अपनी भी अगर बात करते हैं कि आईने में जब भी खुद को देखते हैं तो चेहरे को सुधारने लगते हैं, पर अगर कोई ऐसा चेहरा भी होता कि अगर एक ऐसा कोई आईना भी होता जिसमें आगे हम अगर खड़े हो जाएं तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं वो चीज़ सामने आती, तो हम फोकस एक ज़्यादा भी कर लेते कि सिर्फ शक्ल आकार, जहाँ हाइजीन रखना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक सुंदरता को बढ़ाना वो भी मुबारक है, पर अंदर मन की सुंदरता, मन के अंदर कोई वैर विरोध नफ़रत घृणा ईर्ष्या एक अहंकार का भाव, कुछ अगर ऐसी बातें बसी हुई हैं तो कैसे फिर उनको साफ़ करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है उस ज़रूरत से जो एक शरीर की सफाई होती है उससे। तो कैसे जहाँ एक बैलेंस भी बनाना बहुत अच्छी बात है कि जितने हम रोज़ उठ के नहाते धोते साफ़ सफाई पे जोर करते हैं, वहीं ये मन की खुराक, ये रूह की खुराक, ये सत्संग सेवा सुमिरन, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, जब जब हम साथ ही साथ ये भी सफाई करते रहें तो वो मुबारक हो जाता है एक मनुष्य तन में होना, एक मनुष्य तन को पूरे पोटेंशियल से यूज़ करना, एक सबसे ज़्यादा जो एक शरीर कर सकता है वो पूर्ति तभी होती है जब बाहर के आकार का भी सम्मान और अंदर भी मन में एक ब्रह्म ज्ञान बसा हो। तो जहाँ हर एक के लिए यही एक अरदास दातार से कि हर कोई अपने जीवन में हर एक के लिए भी वरदान बने, स्वयं का भी सुधार हर पल करता जाए, जहाँ जहाँ भी ये बात है कि जो पता है कि ऐसा करने से हमारा भी फ़ायदा औरों का भी है, उस मार्ग पे चले, ना कि अपने मतलब के लिए किसी का नुकसान करते चले जाएं और उसका भी एंड रिज़ल्ट यही कि अपना भी नुकसान कर दें। तो कैसे वही बात कि अगर एक
प्लास्टिक की मिनरल वाटर की बॉटल भी हम अगर खरीदते हैं, उसको अपने बैग में संभाल के हम रखते हैं कि इसमें पानी है, ये बहुत ही कीमती है, अभी बहुत काम की चीज़ है, और जब हम पूरे का पूरा पानी पी लेते हैं तो फिर उस प्लास्टिक की बॉटल को क्रश करके रिसाइकलिंग डस्टबिन में डाल देते हैं कि इसका अब कोई प्रयोग हमारे लिए नहीं है, अब इस प्लास्टिक को किसी और तरीके से कोई और काम में लगा ले। तो वही बात कि वो मूल जो पानी है, कीमत उसकी, चाहे वो बोतल तो कुछ समय के बाद फेंकी भी जाती है, तो दातार कृपा करे जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर रूपी बोतल में ये ज्ञान रूपी पानी को ठहरा के रखें, तभी इस शरीर की भी कीमत है। दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सात संगत जी धन्यंका जी। सद